रानी माँ, सब हमारी विदाई करने आई हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप सबको तो अब तक गुप्त रास्ते से चित्तौड़ के बाहर होना चाहिए था। खिलजी की सेना किसी भी समय चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर सकती है। इससे पहले कि ऐसा हो, आप सब यहाँ से निकलकर अपने प्राणों की रक्षा करें। किसने कहा हम थारी विदाई करने आए पद्मा बहू? जब थे सिंगल द्वीप से आए थे तो थारे माता पिता ने थारे साथ के लिए आधा सिंगल द्वीप भेजा था, तो हम चित्तौड़ से तारी विदाई ऐसे अकेले कैसे कर सके? पद्मा बहू, आज चित्तौड़ की हर सुहागण थारे साथ आवेगी और हम भी, हम सब देवलोक थारे साथ आवेंगे। ये क्या कह रही है रानी माँ आप? ये हमारी लड़ाई है और इस सब में आप क्या होती क्यों? क्योंकि रानी माँ के बाद आप ही चित्तौड़ की होने वाली रानी थी, और अपनी होने वाली रानी को हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? राह चाहे देवलोक की हो, जब स्वयं अग्नि देव राह दिखाई कर रहे हैं, तो ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा? और इसी बहाने दिल्ली के सुल्तान को ये शिक्षा भी मिल जाएगी कि हर स्त्री देवगिरी की राजकुमारी नहीं होती। चित्तौड़ से पद्मिनी तो क्या, वो किसी भी स्त्री की चरण रज भी ना ले जा पाएगा। हम सब आपके साथ इस महायज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं, और आपको शपथ है आप हम में से किसी को ना रोक रहा। आपने आने में थोड़ी देर कर दी छोटी बहू। रानी बहू तो समय से पहले चिरनिद्रा में चली गई है। पता चला दीदी, हमसे अधिक प्रेम तो आपको था इनसे, तभी तो इनके स्वागत के लिए हम सबसे पहले देवलोक चली गए। हमने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की, पर आज हमें आपसे एक शिकायत है कि आपने देवलोक में भी इनके स्वागत का प्रथम अवसर ना दिया हमें। Thank you.
मन में करुणा है, प्यार है, तेरी लाज तेरा श्रृंगार है, तेरी शूरता तेरी वीरता। तू है अपने वचनों की बंदिनी, चाल और गुस्ताख इशारे ये कहते हैं कि हालात ठीक नहीं। आपने बजा फरमाया जापना, एक क्षत्रिय जिद्दी ही नहीं, उसूलों के पक्के और अपने आन और मान पर जान देने को जैसे अपना मजहब समझते हैं। बात को लफ्जों में मत उलझाओ कफूर, बताओ क्या क्या हुआ है। अब तो हमने चित्तौड़ की फौजों को भी निश्चय नबूद कर दिया है, चित्तौड़ पर हमारा कब्जा है, तो फिर पद्मिनी को हमारे हरम में लाने में इतनी देरी क्यों? अब वो यहां कभी नहीं आएगी और ना ही कभी आपको हासिल होगी। हाँ हुजूर, आपकी पद्मिनी ने चित्तौड़ की तमाम खवातीनों के साथ आग में कूदकर जान दे दी। कफूर, दख लिया से अलाउद्दीन अफगान से चला था, हर कदम पर कामयाबी ने उसकी कदम बोसी की। उसके नाम का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराया और चंद दिनों में उसने एक मामूली सूबेदार से दिल्ली दरबार तक का सफर तय किया। आज हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी खातून है जो हमारे ख्वाबों की शहजादी बनने का ख्वाब नहीं देखती।
पर जिस खातून का ख्वाब हमने देखा वो हमारे लिए शर्मिंदा तबीर बनकर रह गया। राजपुताना में आकर अलाउद्दीन हार गया। तुमने अलाउद्दीन को शिकस्त देकर यह साबित कर दिया कि परवरदिगार की स्याही में अजीम ताकत है। उसका लिखा यह अलाउद्दीन तो क्या कायनात की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। पद्मनी, आज तुम्हारे जज्बे और हिम्मत के आगे यह अलाउद्दीन तह दिल से आज तुम्हारा सजदा करता है और कबूल करता है कि तू जीत गई।